मैंने तो काफी टाइम पहले प्लान बनाने छोड़ दिए थे, अब हमारे घर के प्लान तो रीना जी बनाती हैं, और हमारे सब सबके प्लान परमेश्वर बनाता है, आमीन। लेकिन सच्ची बात है, हमारे प्लान बनाने से होता भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम कुछ प्रपोज करते हैं, गॉड उसको डिस्पोज कर देता है, फिर गॉड विल रीप्रपोज थिंग्स एंड गॉड विल डू थिंग्स इन हिज मैनर द वे ही वांट्स थिंग्स टू बी डन। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो खुश होता हूं हमारा कोई प्लान ना चले तो, परमेश्वर का प्लान चले तो अच्छा है। सारे बोलो अपने पड़ोसी से, परमेश्वर का प्लान चले तो अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है हमें, हम बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भाई हमारा प्लान नहीं चला, तो हमें बड़ा दुख सा फील होता है, और वो लाजमी है। ठीक है, अभी मैंने प्लान तो नहीं किया था, खुद ही गिर गया। हाँ जी, थैंक यू। कितनी सारी चीजें आप प्लान नहीं कर सकते, गाड़ी आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई, प्लान कर सकते हैं? किसी ने प्लान किया था कोविड आएगा, किसी ने प्लान नहीं किया था, कोविड में कितने लोगों का भला हो गया, कितने लोगों का भला नहीं हुआ। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि उनके लिए हर चीज भलाई को पैदा करती है। सारे बोलो हर एक चीज। देखिए, आज से कई साल पहले, ऑलमोस्ट लाइक इन 90s, मेरे पैदा होने के 3 साल के बाद 1967 की बात है, जब पहला हार्ट ट्रांसप्लांट दुनिया के अंदर हुआ था। एक कोई सर्जन थे बर्नार्ड क्रिस्टियन, उन्होंने जो है पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, जानते हैं ना क्या होता है, पुराना दिल निकाल के नया दिल लगा दिया। तो वो जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, बहुत बड़ा एक जो है वो बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, कि देखो हार्ट बदल दिया, बंदे का हार्ट चेंज कर दिया, उसका अंदर से पुराना हार्ट निकाल के। आजकल तो हार्ट जो है बाहर भी लगा देते हैं, बंदा अपने थैली में हार्ट लेके घूम रहा है ना। हथेली में तो सुना था, सिर्फ थैली में नहीं सुना था भाई, वो हथेली में अपना दिल लेके घूमता, लेकिन थैली में भी लोग कुछ दिल लेके घूमते। तो ये है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि ये भी फैसिलिटी है, बोलो ये भी फैसिलिटी है ना। लेकिन ये वाला हार्ट जो है थैली वाला, आप किसी को दे नहीं सकते हो, अगर आपने दे दिया तो फिर वायर कट जाएगी। तो ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन परमेश्वर तो हमारे हार्ट ट्रांसप्लांट कब से कर रहा है, परमेश्वर तो ही इज एन एक्सपर्ट इन हार्ट ट्रांसप्लांट फॉर, मतलब फ्रॉम द टाइम, द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। परमेश्वर ने आदम को भी दिल दिया, उसने कहा कि जो भैया ये तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, लेकिन उसका दिल चेंज हो गया, उसने अपना हार्ट जो है चेंज कर लिया, और परमेश्वर को एक बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ा। लेकिन ये जो दिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका चेंज होना बहुत जरूरी है। सारे बोलो बहुत जरूरी है। ये जो हार्ट है ना, इसका चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी जो चीज देखो, एक मेरा याद, एक कहानी याद आ रही है, एक आदमी जो है मर गया, और मर के ऊपर गया, तो जब वो ऊपर गया तो वहां पे हेवन की, वहां पे एक एंजल हेवन की बुक लेके घूम रहा था। एक कहानी मतलब वैसे है, कोई इलस्ट्रेशन टाइप है। तो उस वहां पे जो एंजल था, उसके पास इस आदमी की जिंदगी की किताब थी, बोलो उसकी, कहते भाई आपका सारी जिंदगी का अकाउंट है, कहते आ जाओ चलो बातें करते हैं, कहते चलो बातें करने बैठ के। उसने उसकी ना एक जो पहले के 3-4 पेज थे ना, उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा ना ब्राउन कलर था, क्या था, कहते ये क्या है, कहते जो तूने काम किए ना जिंदगी में, उनके 3-4 पेज है गलत वाले काम, सारे इवन डीड्स है तेरी यहां लिखी है, कहते बस इतनी है, कहते हाँ बस इतनी है। तो बड़ा खुश हुआ, कहता है, और कहते इसके आगे के जो पेज है, कहते ये जो आगे के ना, ये तेरे वर्ड्स हैं, जो तूने गलत वर्ड्स बोले हैं, तूने किए नहीं, लेकिन मैं मार दूंगा उसको, मैं खा जाऊंगा उसको, खुदा उसको कर्ज करे, उसको ये करे, उसका सत्यानाश हो जाए, उसकी गाड़ी पंचर हो जाए, उदा ये हो जाए। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, ऐसे लोगों को कर्ज करते, कहते हैं लोगों की बुराइयां करिए, चुगलियां करिए, ये सब किया, कहते ये तेरे 50-60 पेज उसके भी हैं। कहता यार मैंने इतनी, कहता ये भी मतलब बुरी होती है, कहता ये उससे थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तू उसको कर नहीं पाया, लेकिन तेरे मन में तो सारी बातें हैं। कहता अच्छा, ये थोड़ा डार्क ब्राउन था, क्या था ये जो सेक्शन था थोड़ा, फिर एक और सेक्शन आया थोड़ा सा ब्लैक ब्राउन था। कहता ये क्या है, कहता ये तेरे ख्याल, कहता ख्यालों में तो तूने क्या क्या नहीं किया है, कहते ख्याल जो है तेरे वो तो, तू तो घर में बैठ के तूने तो अपनी बीवी को 15-20 बार मार दिया है।
तूने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया, तूने क्या क्या सोचा, कहता ये तो तेरे 150 पेज है, तूने अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पास्टर के लिए, तूने सबके लिए पता नहीं क्या क्या सोचा है, तूने दुनिया के लिए, नेताओं के लिए, देश के लीडर्स के लिए, कितने लोगों के लिए तूने जो जो सोचा है, ये जो थोड़ा सा ब्लैक ब्राउन वाले एरिया में आता है। और कहता इसका भी, कहता हाँ जितना एक्शन का अकाउंट है उतना इसका है, पेनल्टी उतनी है, टिकट उतनी मिल रही है, थोड़ी सी ज्यादा ही है इसकी क्योंकि ये ज्यादा डार्क है। तो उसके बाद जो था ना, ये जो लास्ट जो था ना वो बिल्कुल ब्लैक था। कहता ये ब्लैक वाला क्या है, कहता ये तेरे 2500 पेज है। कहते ये किसके 2500 पेज है, कहते ये किसके, कहते तेरे दिल के, दिल के अंदर कितना मसाला था तेरे, क्योंकि दिल से ख्याल आए, बोलो दिल से ख्यालों से बातें आई, फिर बातों से एक्शन हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है Mark 7:20-21 में, and he said, what comes out from person is what defiles him, from within of people's heart come evil thoughts and other negative things। मैं पूरा स्क्रिप्चर पढ़ रहा हूं कि आदमी के दिल से, सारे बोलो आदमी के दिल से सारी बुराई निकलती है, बोलो दिल, ख्याल, लव्स, वर्ड्स और एक्शन। हमें लगता है हमने गलत काम थोड़े किए हैं, काम थोड़े किए, लेकिन आपने वर्ड्स बहुत बोले, आपने वर्ड्स जितने बोले उससे ज्यादा आपने सोचा है, और जितना सोचा है मतलब वो कुछ पूरा काला सामान कहां से आ रहा है, कहीं ना उस कालक से आ रहा है जहां से ही इसका जन्म हो रहा है। सारे बोलो हालेलुया। और ऐसे दिल का ट्रांसप्लांट होना बहुत जरूरी है। सारे बोलो अपने पड़ोसी को उंगली करके, बहुत जरूरी है। अब तेरे को नहीं बोलो, बोलो मेरा, सब एक दूसरे को बोले तेरा बहुत जरूरी है। नहीं नहीं बोलो, बोलो बहुत जरूरी है। सारे बोलो बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें एक ऑपरेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोरोना की दवाई कैसे लोग ढूंढ ढूंढ के इधर लग गई उधर लग गई, किसको पहले लगेगी, कोरोना का कितना सारी दुनिया ढूंढ रही थी कब आएगा वैक्सीन, कब आएगा वैक्सीन, कब आएगा वैक्सीन, कब आएगा वैक्सीन। कुछ हाँ तो ये भी बोला कि कुछ लगा के वैक्सीन लगा के पागल हो गए, कह रहे कोई बात नहीं पागल हो जाएंगे। एक वाइफ कहती है हस्बैंड को आप लगा लो, आप थोड़े से हो जाओगे लेकिन ठीक तो हो जाओगे, लगा लो आप दो लगा लो। सब ढूंढ रहे थे वैक्सीन कब आएगा वैक्सीन कब आएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे हार्ट का इलाज आ गया है। बोलो हार्ट का इलाज। अगर हार्ट बदल गया ना आपकी फैमिली बदल जाएगी, अगर हार्ट बदल गया आपका भविष्य बदल जाएगा, अगर आपका हार्ट बदल गया आपके रिलेशनशिप बदल जाएंगे, हार्ट बदल गया आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, हार्ट बदल गया आपका प्रेजेंट बदल जाएगा, हार्ट बदल गया पुराने कर्सेस निकल जाएंगे, हार्ट बदल गया यू विल बी अ चेंज मैन, यू विल बी बोर्न अगेन। सारे बोलो हालेलुया। अगर आपका हार्ट बदल जाएगा आपकी जॉब में आप देखोगे कैसे गॉड, बिकॉज हार्ट इज द इंजन। एक आदमी को बहुत दर्द हुआ दिल में, सीने में दर्द हुआ तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, कहते आपका हार्ट का प्रॉब्लम है। कहता हाथ पर हाथ पांव तो ठीक है सब, कहता सब कुछ ठीक है तेरा, हार्ट ने अगर ठीक नहीं किया तो सारा बंद हो जाना है, वहां से सारी पंपिंग होती है, वहां से सारी वो सेंटर है। और देखो कैसे खुदा ने उसी हार्ट को एक स्पिरिचुअल सेंटर भी बनाया हुआ है, वो हमारी लाइफ को चलाता है, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम अपने इस हार्ट की सब लोग जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग सब जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। पर तेरे को पता है जितनी बार आप जॉगिंग करते हो जब ये हमारे घुटने से जाता है हार्ट चलता है, हार्ट की पंपिंग होती है, बहुत सारे लोगों ने निकाले हुए हैं। अब सही है जो वॉकिंग कर रहे हैं तो तेरे को पता है एवरी टाइम यू टेक अ वॉक इट्स अ हार्ट को एक पंप मिल रही है, एक एक्सरसाइज मिल रही है। मेरे को इतनी पता, मैं तो ज्यादा चलता नहीं हूं, सारे बोले यीशु मसीह। लेकिन कितनी कितनी एक्सरसाइज करते हैं लोग, कितना हार्ट का ध्यान रखते हैं, ये नहीं खाना है, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम है, तेल ढूंढ ढूंढ के लाएंगे तेल कम है, ये मूंगफली का तेल है, मूंगफली का तेल है,
सारी छह मुंफिया उन्होंने कर दिया है, तो ये कोई किसी ने तो निकाल कहते ये सुपारी का तेल है। ये कौन सा होता है सुपारी का तेल, कहते ये भी एक तेल है, इसमें से बिल्कुल इसमें फैट नहीं है। मतलब लोग ढूंढ रहे हैं कि जिससे हार्ट को हार्ट बचा लें। आजकल तो ऑमलेट बनते पानी से, पोस्ट एग जो होता है मतलब अंडा बनता है, को पता है वेरोनिका जी को पोस्ट है होता है, मतलब पानी से ही बनता है ना। मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगता था हर चीज तेल से बनती है। मैंने कहा इसका टेस्ट अलग, कहते पानी से बनाई है। ये हार्ट के लिए किया है ना इन्होंने, वैसे कच्चा अंडा खा जाएंगे जब मैं कीड़े हो, लेकिन तेल नहीं होना चाहिए। ताली हुआ प्रभु के लिए आ गया यार। लेकिन जो हार्ट सोचता है, इसमें जो आपने तेल डाला हुआ है, जो सोचने का तेल डाला हुआ है, वो कौन ठीक करेगा? जिस हार्ट के अंदर मैल है, बोलो मैल है। जिस हार्ट के अंदर जो थॉट्स हैं, जो वर्ड्स ये प्रोड्यूस करता है, जो एक्शंस ये प्रोड्यूस करता है, और जो इसकी अपनी जो इसका अपना जो किसकी जो बुराई है उसके साथ भी तो डील करना है, नॉट जस्ट फिजिकल लेकिन स्पिरिचुअल एंगल भी तो है इसका। बोलो यीशु मसीह के एक बार बहुत ज्यादा ताली अपने परमेश्वर की बजाते हैं। हालेलुया। देखो हमारा गॉड जो, हमारा गॉड फादर जो है वो सुपरवाइजर है इस ऑपरेशन का, बोलो वो इसका, और यीशु मसीह स्पेशलिस्ट है। यीशु मसीह क्या है? और होली स्पिरिट जो है वो सर्जन है। होली स्पिरिट जो है पवित्र आत्मा आके हमारी सर्जरी करता है। सारे बोलो ये सर्जरी हमें कराना बहुत, ये हार्ट चेंज बहुत जरूरी है। 2021 में एंट्री ले ली है, पुराने हार्ट के साथ नहीं जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात है, ये वाला हार्ट तो जिंदगी में एक ही बार चेंज होता है, लेकिन ये जो हार्ट है आप रिपेंट करके हर रोज रिन्यू कर सकते हो। हर दिन कह सकते हो कि हे परमेश्वर मेरे हार्ट को रिन्यू कर, लॉर्ड रिन्यू माई हार्ट। इसकी बैटरी को रोज चार्ज कर सकते हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी फैमिली में जो चल रहे हैं क्लेश, लड़ाई, झगड़े, आपके घरों में जो चल रहा है कंफ्यूजन, इट विल नॉट चेंज। सिर्फ कॉस्मेटिक चीजें करने से चेंज होने वाला, सिर्फ बाहर बाहर चलो हम कुछ प्लान बना लेते हैं, हस्बैंड वाइफ बोले हाँ बस ठीक है हम एक दूसरे के साथ ज्यादा मिलेंगे नहीं, सामने से निकल जाएंगे ये, क्योंकि हम जब ज्यादा बातें करते हैं हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर ये ऐसा हो जाता है, फिर ये सब तेरा सवाल पूछूंगा तुमने आज खाने में क्या बनाया, बोले कि मैंने ये बनाया फिर तुमने ये क्यों नहीं बनाया, फिर ये क्यों बनाया, फिर ये सारी बातें करके हम लोग बातें करके हमारी लड़ाई हो जाती है। तो फिर वो गुस्सा लेके साइड में बैठा हुआ है ना, तला हुआ करेला करेले की तरह शक्ल बना के खा रहा है। क्यों? क्योंकि गुस्सा है अंदर, हार्ट ठीक नहीं है। आपको हार्ट नहीं, गलत हार्ट से आप हेल्दी रोटियां खा, हेल्दी वेजिटेबल खा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। हमारी फैमिलीज में, हमारी लाइफ्स में चेंज तभी आएगा जब हमारा हार्ट चेंज होगा। आप न्यूजीलैंड क्या, न्यूजीलैंड की सबसे अच्छी कंट्री में जाकर रह लो, अगर हार्ट गड़बड़ है कुछ ठीक नहीं होने वाला है ना। मतलब ने इंडिया में फोन किया, हाँ हम न्यूजीलैंड में रहते हैं बहुत अच्छा है, बाद में लड़ेंगे ना, बाद में लड़ेंगे, मम्मी से बात करते हो। हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक है, बस इनको अभी आए ऑफिस से, बाद में देखती हूँ। सारे बोले यीशु मसीह की ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हार्ट बोला हार्ट, और जिसका हार्ट ठीक है चाहे वो घाट के ऊपर मैं रहता हूं, हार्ट अच्छा होना चाहिए। बोलो हार्ट अच्छा होना चाहिए, हार्ट। और हम अगर खुदा पेश, अगर खुदा फिजिशियन है तो हम पेशेंट हैं। बोलो अगर वो फिजिशियन है तो हम पेशेंट हैं। बाइबल में लिखा कि ऑल हैव सिंड। कई बोलेगा मेरा हार्ट तो ठीक है यार, मेरे हार्ट को क्या प्रॉब्लम है, मैं पास्टर जी कुछ नहीं गलत करता। है प्रॉब्लम, बोलो है प्रॉब्लम, बोलो है प्रॉब्लम, सारे बोलो है प्रॉब्लम, मनवी बोलो है प्रॉब्लम। हम सबको इलाज की जरूरत, प्रमोद भाई बोलो है प्रॉब्लम, प्रभु मैं गलत नहीं करता, करता है सर। बोले एक दूसरे को बोला हम सब गलत करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ऑल हैव सिंड एंड ऑल फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड।
रोमन 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और ये जो बीमारी है ये बर्थ से आई है, जन्म से आई है। बोलो जन्म से। ये हमारे खून में है, ये हमारे अविश्वास में छुपी हुई है। अगर हमने इसलिए बाइबल लिखा कि यू हैव टू बी बोर्न अगेन। ये बोर्न अगेन कोई वो नहीं है कि मतलब कन्वर्जन नहीं। आप मैसेज समझ रहे हैं? आप इस समय मैसेज को समझ के आप समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। नया हार्ट होगा, हार्ट ऑफ रिपेंटेंस और हार्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट यस आई नीड टू चेंज माय लाइफ, देन यू विल बी बोर्न अगेन। ये नहीं कि आप जाके हॉस्पिटल में जाके बोलो मुझे फिर से पैदा होना है, डॉक्टर ये पागल हो गया बंदा। हम नहीं पैदा हो सकते। निकोडेमस ने पूछा ऐसे कैसे, हम कैसे आदमी मां के गर्भ में दोबारा जाएगा। लोगों ने ये सवाल पूछा। कई लोग सोच रहे हैं कैसे ये लोग क्या करेंगे, हो सकता है बैप्टिज्म के अंदर जाके आप बॉर्न अगेन। नहीं नहीं, बॉर्न अगेन पानी के अंदर से जाके नहीं, तो बॉर्न अगेन दिल में से होता है। जब आपका दिल बदलता है यू आर अ न्यू पर्सन, न्यू लाइफ मिलती है। आपके घर में न्यू लाइफ की जरूरत है, इसलिए आज ये मैसेज आप सुन रहे हो। द लाइफ दैट यू हैव बीन लिविंग इज अ डेड अगेन एवरी डे। आई एम डेड अगेन। आज भी उठा डेड अगेन, कल उठा डेड अगेन, पिछले 20 30 25 40 50 सालों से दिया डेड अगेन डेड अगेन। इसलिए कहते हैं कि आज भी हर रोज अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर को जानता है वो हर दिन अपनी जिंदगी की तरफ जा रहा है। वो हर दिन अपनी जिंदगी की तरफ जा रहा है, वो मृत्यु की तरफ नहीं बल्कि अनंत काल के जीवन की तरफ बढ़ रहा है। सारे बोले यीशु मसीह की। क्योंकि शरीर तो हमारा हर दिन जो है वो डिप्लीट हो रहा है, लेकिन हमारी आत्मा हर दिन नई होती जाती है। और हम हर दिन अपने हार्ट को रिन्यू करते हैं और हमारा दिल बदलता जाता है। जो आज मैरिज की कंडीशन तुम्हारी आज है, आज वह है, कल इससे 1000 टाइम बेटर होगी और हर दिन तुम्हारी लाइफ बेटर होती जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हर दिन तुम अपने दिल को चेक कर रहे हो। सारे बोलो हालेलुया। जितना ध्यान तुम अपनी डाइट पे देते हो उतना ध्यान अपनी स्पिरिचुअल डाइट पे देना शुरू करो। क्योंकि हम एक्चुअली देखो, हम हार्ट का ऑपरेशन क्यों करना चाहते हैं जब पेन होता है। कई लोगों को पता चलता है हाथ में ऐसे ही दर्द रहा है ना, हाथ में दर्द हो रहा है, हार्ट तो नहीं होगा ना, कुछ नहीं है, गैस है। कायम चूर्ण खाओ ठीक हो जाएगा। जैसे कायम चूर्ण ठीक हो गया, हम कितना ध्यान रखते हैं ना। बोले यीशु मसीह के। छोटा थोड़ा सा पेन होता है हम चेक कराते हैं, थोड़ा ज्यादा पेन होता है तो फिर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, है ना, ईसीजी कराते हैं। डॉक्टर कहते हैं क्यों आया था, कुछ नहीं नहीं ऐसा पेन टाइप का फील हो रहा था। कई लोगों को मजा आता है। एक आदमी ने मुझे बोला न्यूजीलैंड में तो फ्री है, मैं करा लेता हूँ हर हफ्ते हार्ट का चेक। डॉक्टर भी कहते आए इसका पुरानी रिपोर्ट छाप के दे दो इसको। है कुछ नहीं, लेकिन अगर हम इतना ध्यान अपने स्पिरिचुअल लाइफ का रखें, क्योंकि हम पेशेंट हैं। बोलो हमारे आपको पेन है, बोलो पेन है, क्योंकि हम पाप की वजह से कमजोर हो गए हैं। एवरी टाइम वी सिन, हम सिन में तो घुसे पड़े हैं, एक्सपर्ट्स ऑफ सिनोलॉजी हो गए हैं और हम थक गए हैं पाप कर करके, थक गए हैं लड़ लड़के, जिंदगी से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस से लड़ रहे हैं। वुंडेड हैं, घाव हुए हैं, चोटिल हैं, है ना, चोट है ना, हर आदमी की कहानी है। छुपाता है, किसी से मिलो बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, वेरी नाइस, फिर सेकंड क्रम ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। जब आप लेयर्स में जाओगे तो पता चलेगा इशू है, लेकिन छुपाते हैं, क्या करते हैं, हर आदमी एक 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 मुस्कुराहट लेके घूम रहा है लेकिन अंदर से मुस्कुरा नहीं रहा है। मेरे होंठ का तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है, मेरी जो मेरी जुबान पे जो मुस्कुराहट है मेरे दिल का तर्जुमानी नहीं है, ये मेरे अंदर कुछ और चल रहा है।
सारे बोलो यीशु मसीह की। साम 55 वर्स 4 में लिखा है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और भय मेरे अंदर समा गया है। डर जो है हमारी बॉडीज का हिस्सा बन गया है। सारे बोलो डर। हमारे अंदर पेन है। सारे बोलो पेन है। सारे बोलो पेन। लेकिन इस पेन का इलाज परमेश्वर के पास है। Somebody say amen. God has an answer for your troubles today. God has an answer for your pain, for your disease, for your sickness, for your weariness, for your unbelief, for your wounds. आपके घावों का इलाज यहां के हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा परमेश्वर के हॉस्पिटल में है। परमेश्वर आपको हील करना चाहता है। Somebody say amen. और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको मैंने प्लांट कर दिया, फिर जिसका हार्ट एक बार मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया, उसको फिर कोई उखाड़ नहीं सकता है। अभी हम जो प्लांटेड हैं, हम अपने कहते ना हमारी जनरेशन से प्लांटेड हैं, हम अपने विरासत में अपने फैमिली प्लांट, अपने फैमिली ट्री के अकॉर्डिंगली प्लांटेड है। लेकिन जब आप बॉर्न अगेन होते हो, जब आपका हार्ट चेंज होता है, आप गॉड के अकॉर्डिंगली प्लांट हो जाते हैं। आपका पॉट बदल जाता है, आप एक बड़ी जमीन के ऊपर लगाए जाते हो और आप परमेश्वर की जमीन पर लग जाते हो। और उसकी प्रिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है। सारे बोलो सिंपल है। मैं चाहता हूं कि चंदा मैंने कहा है, आइज़ाया 55 वर्स 7 एक लास्ट वर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रे करेंगे। आइज़ाया बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 7 मैं हिंदी में पढ़ता हूं और चंदा बहन उसको उर्दू में पढ़ेंगी। एंड somebody can come and read in English. और आप मेरे साथ बोले, दुष्ट अपना चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की तरफ मुड़े, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे तो वो उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी रीति से प्रभु हमको क्षमा करके नया कर देगा। सारे बोलो हालेलुया। आइज़ाया 55 वर्स 7 इफ एनीबॉडी इज रेडी इन इंग्लिश प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, कोई पंजाबी में भी पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, कोई मराठी में पढ़ना चाहता है मोस्ट वेलकम। हां जी, ये ले लिया 55 का 7 सातवीं आयत है। हां जी, शरीर अपनी राह को तर्क करे, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंत की तरफ फिरे, और वो खुदावंत की तरफ फिरे, और वो उस पर रहम करेगा, और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा, क्योंकि वो कसरत से, बहुत आयत से, अबंडेंस में माफ करने वाला परमेश्वर है। वो कसरत से माफ करेगा। हालेलुया, थैंक यू मेरी बहन, जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के कलाम के लिए। हालेलुया। Let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord. Again. That he may have compassion on him. And to our God. For he will abundantly pardon. He will abundantly pardon us. बोलो अबंडेंटली, मतलब उसकी क्षमा इतनी बड़ी है, खुदा मेरे से ये हो गया, कोई बात नहीं बेटा, तू लौट आया ना लॉर्ड। जब हमने चार बातें शुरू में कही, लॉर्ड मेरे ना एक्शन बहुत गलत है, अच्छा तू मुझे बता रहा है, मुझे पहले ही पता है, नहीं लॉर्ड मेरे वर्ड्स भी गलत थे, ठीक है मैंने सब सुने, लॉर्ड आपको नहीं पता मेरे थॉट्स भी, बेटा वो भी मेरे को पता है, और मेरा हार्ट बहुत गड़बड़ है, मेरे को मालूम है, परमेश्वर सब जानता है। सारे बोलो परमेश्वर,
वो सब जानता है, परमेश्वर को पता था कि आदम ने पाप किया, लेकिन फिर भी उसने पूछा आदम तू, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके पास आए, तौबा करे, रिपेंट करे, पश्चाताप करे. एंड व्हेन वी कम टू द फादर, ही अबंडेंटली पार्डन्स अस. वो बहुत आयत के साथ क्षमा करता है, कसरत के साथ माफ करता है. और आज परमेश्वर आपका हार्ट बदलना चाहता है. यू नो आई एम टेलिंग यू, मिरेकल विल हैपन. मिरेकल कहते हैं, एक मिरेकल हो जाए यार, बस मेरे ये जॉब का मिरेकल हो जाए, इंपॉर्टेंट है, बस मेरे ना इसका मिरेकल हो जाए. आई नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल. और मेरी हेल्थ का मिरेकल हो जाए. ये जो सारे मिरेकल्स है ना, ये बहुत सारे नहीं, आपको हर रोज एक नया कटोरा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मिरेकल्स की जरूरत हमें पड़ने वाली है. सारे बोलो हालेलुया, वंदना बोलो हालेलुया, ज्योतिष बोलो हालेलुया. एवरी डे मेरे भाई आप बोले हालेलुया. हर रोज मिरेकल चाहिए मेरे भाई, हर रोज मिरेकल चाहिए. चाहिए कि नहीं बिल्कुल? मैं कह रहा हूं आप मिरेकल का मिरेकल ले लो, आप अपना हार्ट एक बार बदलवा लो, मिरेकल अपने आप होने लग जाएंगे. एक बार हार्ट कनेक्ट हो गया ना, बोलो हार्ट कनेक्ट हो गया. एक बार वो पक्का लग गया, पावर फ्लो करने वाली है. क्योंकि जैसा हार्ट अभी हमारा है, इसमें पावर नहीं आती है, इसमें झटके आते हैं. तार के पास जाते हैं, झटका लगता है. ये डेली हो गया है. हर रोज लिया कटोरा और एक नई भीड़ परमेश्वर के आगे मांग रहे हैं. परमेश्वर कह रहे हैं यार तुम लोग क्या बन गए हो, हर रोज तुम एक डरे हुए दिल से आते हो. मतलब दिल डरा हुआ है, दिल खौफ सता है, फियरफुल हार्ट है. हमें फियरफुल हार्ट लेके रोज एंट्री भी लेते हैं ऐसे डरे हुए, पता नहीं किधर मिलेगा, इस मीटिंग में जाए यहां मिलेगा, उस मीटिंग में जाए कहां मिलेगा. अरे वो वाला पास्टर ठीक है, उसके कपड़े बहुत चमकीले हैं, या वो वाला होता है उसका बैंड बहुत बड़ा है, या वहां जाते हैं उधर का वो बहुत अच्छा है, इधर जाते हैं इसका वो बहुत अच्छा है, वो बाद में पता हलवा खिलाते हैं, उधर ये है, तो बहुत सारी चीजें हैं. उधर उसको देखो इतना बड़ा, उसके फॉन्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसका टें 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 ऐसे करके उसे चलता है, या उसके पीछे गनमैन चलते हैं, वो बहुत बड़ा वहां वो गनमैन उसके काम करा देंगे. हमारा गनमैन कुछ नहीं होने वाला. आप कितना भी घूम लो, कितना फटक लो, कुछ फटकने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं मिलने वाला. आपका दिल ठीक हो गया, आपके घर में बैठे बैठे मिरेकल होने वाले हैं. अपने कलीसिया में आओ, प्रार्थना करो, अपने दिल को चेक रखो, ऐसी जगह पे जाओ जहां पर आपका दिल ठीक किया जाता हो. हर हफ्ते, हर हफ्ते वो सोटा मिले, वो हैमर मिले, वो वचन मिले, वो फादर की मोहब्बत मिले, करेक्शन मिले, क्लेंसिंग मिले, आपको प्यार करने वाला एक घर मिले. ऐसी जगह जाओ जहां चाहे आपको मस्का ना मारा जाए, लेकिन आपको ठीक जरूर किया जाए, जहां पर हर बार आपको एक ऐसा वचन मिले जो पिता की तरफ से आए और हमें और हमारे दिल को नया करें. मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं डिक्लेयर करता हूं जिनका हार्ट जो कनेक्टेड है उनके लाइफ में पावर फ्लो करती है, फिर वो पावर आगे जाती है. जो कनेक्टेड नहीं है एक एक चीज के लिए भीख मांगते हैं, और खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चे भीख मांगे बने. उसके बच्चे जब उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो बिना मांगे देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारी सोच से बढ़कर एक्सीडिंगली अबंडेंटली देने वाला परमेश्वर है. आपके मांगने से पहले हो जाता है, इसका ये काम बचा है मेरे को. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब श्रेया की शादी हो रही थी, मैंने कल भी बात करी थी, जिस दिन श्रेया की शादी थी, 4 बजे शादी होनी थी, 4 बजने में 10 बैकयार्ड वेडिंग थी, ओपन वेडिंग थी, 4 बजने में 10 मिनट में बारिश शुरू हो गई थी. सबने कहा बारिश शुरू हो गई, प्रेयर करो. मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, ये तो प्रभु हमारे को टेस्ट कर रहा है. प्रभु को भी तो टाइम पता है, प्रभु ने भी तो शादी पे आना है, 4 बजे शादी है, चलो अंदर चलो, तैयारी करो, तैयार हो बेटा, 4 बजे बारिश अपने आप रुकने वाली है, 4 बजे बारिश रुक गई और हमने बाहर जाके मैरिज अटेंड कर ली. हालेलुया. परमेश्वर भी तो, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, बोलो यीशु मेरे
जब वो साथ है तो फिर आपको वो भी तो उस पर अटेंड करने आएगा, वो भी तो आपकी लाइफ की सिचुएशन में आपके, समझो प्रिंसिपल को, जरूर पढ़ के तो उसको अलग कर देते, दे दे बाबा, दे दे बाबा, यीशु के नाम पे दे दे बाबा। नहीं, ये प्रिंसिपल है, जब यीशु मेरे साथ है, यीशु को पता है कि इसकी नीड है। क्या इतना बड़ा फेथ रख सकते हो? मेरे पिता को पता है, सारे वालों पिता को पता है, बोलो अब्बा को पता है, डैडी को पता है, लॉर्ड को पता है, डैडी बस आप लॉर्ड से कनेक्ट रहो। आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए मांगना, इसलिए कलाम कहता है कि तुम्हारे मांगने से ज्यादा और सोचने से ज्यादा दे रहा हुआ, क्योंकि उसे पता है। आपने सिर्फ हार्ट चेंज करना है, आपके टाइम्स, आपकी लाइफ में कौन से 2021 में क्या होना है प्रभु को, 2021 नवंबर में डरो मत, सारे बोले डरना नहीं है, डू नॉट फियर, जीसस ने कितनी बार कहा डू नॉट फियर फॉर आई एम विद थी, डरो मत मैं तुम्हारे, डू नॉट बी एंग्जियस, लेट्स प्रे, आजाओ लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू फॉर दिस टाइम, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, आज की इस संगति के लिए, आज के इस कलाम के लिए, वचन के लिए, परमेश्वर आज आपने हमसे बात की है और आज हम कहते हैं परमेश्वर हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हमें कभी भी हे परमेश्वर फॉरसेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। लॉर्ड आज आप हर एक के दिल को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, सबने दिल पे हाथ रखे हुए, लॉर्ड गिव मी अ न्यू हार्ट, अ हार्ट दैट ट्रस्ट्स इन यू, अ रिन्यूड हार्ट, अ रिन्यूड स्पिरिट विद इन मी, लॉर्ड आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ द स्ट्रगल, आई एम टायर्ड, मैं आपके पास आती हूं, मैं आपके पास आता हूं। फादर मैंने वचन सुना है, वचन कहता है मेरा प्रभु जानता है मुझे क्या चाहिए, हे परमेश्वर आपको पता है तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं करनी। लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद यू all the time, everybody say after me, Lord Jesus, thank you for your love, thank you that you know my heart, and today I invite you in my heart as my Lord and my Savior, come into my heart, dwell in my heart, मेरा शरीर आपका मंदिर है, मेरी लाइफ में जो नीड्स हैं वो आप जानते हैं, चैलेंजेस को आप जानते हैं, मेरी बॉडी को आप जानते हैं, मेरी बीमारियों को आप जानते हैं, ये परमेश्वर I offer my body to you, take my body, take my life, take my heart, operate on it, renew it, and make it new. I invite you, Holy Spirit, come and touch me. I know that you love me, and I know that you will never let me down. Amen. I am prepared to be heard. Will you? एक गीत गाएंगे जो मुझे बहुत पसंद है, अपनी जबान से बोलेंगे वादा है, वादा है, वादा है, बोलो वादा है, वादा है, वादा है, वादा है, खुदावन का वादा है, बोलो ऐसे करके बोलो मुझसे ये बांधा है, मुझसे ये बांधा है, मेरे दिल से ये बांधा है, मेरे दिल
रूह है खुदावन आके मुझ पे ठहरा है, आके मुझ पे ठहरा वादा है, वादा है, वादा है, वादा दुश्मन जब आए, दुश्मन जब
जब बोलो आएगी बीमारी जब आएगी बीमारी जब आएगा गणेश जब आएगा गणेश जब आएगा कर्जा जब आएगा कर्जा जब The devil comes to kill, steal and destroy.
But Jesus says, I have come to give you life. And not just life, but life in abundance. And I declare in the name of Jesus that your house, I know something, the atmosphere in your house is going to change from tonight. I don't know what that means to you, but God is bringing a change in your family. God is bringing a change in your relationships. God is bringing a change. Somebody say amen. Amen. Lift up your hand and say amen. Amen. Bolo, God is bringing, mere bhai, permission change la raha hai. Bolo, God is bringing a change in everything. In everything. In everything. Mera jeevan badal gaya. मेरा जीवन नया हो गया. मेरा जीवन नया हो गया. मेरा जीवन सवर गया. हालेलुया. सारे हाथ जोड़ बोलो, प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद है. आज आपने कुछ नया किया है, कुछ नया